व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमारी राज्यसभा की पावर्स होती हैं और उस पावर्स को हम लोग कंपेयर करेंगे लोकसभा की पावर के साथ में। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे नॉर्मली भी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके तीन पार्ट हैं। एक होता है यहाँ पर लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। तीनों मिलाकर यहाँ पर पार्लियामेंट को पूरा कंप्लीट करते हैं। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर पावर्स की, तो आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ पर जब बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा की, तो यहाँ पर तीन तरीके से इनकी पावर्स को डिवाइड किया जाता है कि किस किस की पावर कहाँ कहाँ पर कितनी है। वैसे नॉर्मली अगर आप लोग देखकर चलेंगे, राज्यसभा और लोकसभा को कंपेयर करेंगे, तो खासा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। पर लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्यसभा के पास में ज्यादा पावर है, और कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकसभा में ज्यादा पावर है। तो स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों के माइंड में एक तो क्लैरिटी ला के आना ही चाहूंगा कि आप लोगों को कभी भी राज्यसभा, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, तो उसको कभी भी आप लोगों को कम नहीं आंकना है किसी भी तरीके से लोकसभा से। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि क्या हमारी राज्यसभा बिल्कुल ऐसी ही है जैसी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट्स में, कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और किसी में नहीं है, क्या इसको सेकेंडरी हाउस बोला जाएगा, तो आपको कभी भी इसको सेकेंडरी हाउस नहीं बोलना है। सेकेंडरी हाउस आप लोगों को तब बोलेंगे अगर मान लीजिए इसकी पोजीशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो जाती है लोकसभा से, पर लेकिन कई जगह लोकसभा से ज्यादा पोजीशन है इसके पास में, तो इस तरीके से आप इसको सेकेंडरी हाउस नहीं बोल सकते हैं, इसको आप हमेशा सेकंड हाउस बोलेंगे। सेकेंडरी का मतलब रैंक में नीचे पहुंच जाता है, पर सेकंड का मतलब एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। काउंट में इसको सेकंड बोल सकते हैं, पर सेकेंडरी हाउस इसको नहीं बोल सकते हैं, मतलब लोअर इस तरीके से कम हाउस इसको नहीं बोलेंगे हम, तो आप लोग कि हाँ इसके हाथ में कम पावर है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा ये माइंड में रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्या क्या यहाँ पर पावर्स हैं और क्या क्या उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, ये आप लोगों के सामने डिटेल में अपने डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले देख लेते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो किस तरीके से कंपेयर करना है। तो तीन पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हमारा लेक्चर लेकर चलेंगे। पहला आप लोगों को देखने को मिलेगा जो राज्यसभा है वो इक्वल पावर है लोकसभा के, तो कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पर, वो सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये इतने शानदार पॉइंट है आप लोगों का, जो पास्ट में जो मैंने लेक्चर लिया है ना अब तक, वो सारे लेक्चर का कहीं ना कहीं आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा हल्का हल्का सा। ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल अंदर घुसा जाएगा, पर लेकिन एक ओवरव्यू आप लोगों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मिल जाएगा। तो बात करते हैं राज्यसभा की, जहां इक्वल पावर है लोकसभा से, फर्स्ट पॉइंट ये जानेंगे हम। सेकंड पॉइंट आप लोगों को जानने को मिलेगा जहां अनइक्वल पावर है, मतलब दोनों की इक्वल पावर नहीं है, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आप लोगों का सेकंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हो जाएगा जहां पर यहां पर राज्यसभा को ज्यादा पावर दी गई है, स्पेशल पावर कुछ ऐसी है जो कि राज्यसभा के पास में है एज कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करें यहां पर लोकसभा के साथ में, तो ये आप लोगों का होगा यहां पर थर्ड पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर तीन पॉइंट के तहत अपना लेक्चर आगे लेकर चलने वाले हैं। काफी शानदार तरीके से आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आने वाली है, लेक्चर को सुनने के बाद में आप समझ पाएंगे कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है आप इसको इतना ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें से आप लोग कई सारे क्वेश्चन भी निकल कर आएंगे और साथ में आप लोगों का थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, तो दोनों ही काम हो जाएंगे आप लोगों का। तो शानदार लेक्चर होने वाला है, आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ पर दोनों की इक्वल पावर है, लोकसभा और राज्यसभा की कहाँ पर इक्वल पावर है, दोनों का एक इक्वल स्टेटस दिया जाता है, ये बात आप लोग यहाँ पर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की, जो साधारण बिल होता है वो कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पहले, चाहे तो आप लोकसभा में उसको रख सकते हैं या फिर राज्यसभा में रख सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जहां पर एक बार पास हो जाएगा फिर दूसरे हाउस में पहुंच जाएगा, और जब दूसरे हाउस में पहुंच जाएगा फिर प्रेसिडेंट के पास में पहुंचकर वो बिल एक्ट बन जाएगा, तो ये प्रोसीजर होगा। सेकंड बात करते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जाता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या आप लोग कभी कोई स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये इस तरह कंफ्यूजन कई बार क्रिएट कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो स्टेट की पावर आप लोग यहां पर अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं नजर आएगी। तो इंट्रोडक्शन और पैसेज जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बिल की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में आप लोगों को देखने को मिलेगा इक्वल पावर रहेगी लोकसभा और राज्यसभा की, तो यहां पर आप लोगों को कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। जब बात करते हैं मैटर फाइनेंशियल बिल की, फाइनेंशियल बिल में आप लोगों को देखने को मिलेगा जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात आती है, ये गवर्नमेंट का धन होता है और इसको यहां से निकालने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती है। लेक्चर मैंने ऑलरेडी ले चुका हूं इसके ऊपर, आप लोगों को तीनों जो तीनों आप लोगों के पता हो जो हमारी गवर्नमेंट के पास में मनी होती है, तीनों को हमने डिस्कस किया था। कंसोलिडेटेड फंड आप लोगों ने वहां पर देखा था, कंटीजेंसी देखा था, और तीसरा कौन सा था नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, देखता हूं कितना आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना तीनों। और हाँ ये बताना कि तीनों कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं, बहुत जोर दोकर मैंने उस टाइम पर आप लोगों को बताया था, और जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो सारे लेक्चर जाकर देख सकते हैं। सब लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएंगे, ओके। और यहां पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, यहां पर भी मैं लेक्चर डालता हूं, तो यहां पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम।
नेक्स्ट बात करते हैं, जब बात आती है यहां पर इम्पीचमेंट की, प्रेसिडेंट को जब इम्पीच करने की बात आती है, हटाने की बात आती है या फिर इलेक्शन की बात आती है, तो दोनों यहां पर पिक्चर में आप लोगों के सामने नजर आएंगे, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। बात आती है जब यहां पर इलेक्शन और रिमूवल को वाइस प्रेसिडेंट की, तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों के पास में पावर है, पर थोड़ी ज्यादा पावर आप लोग यहां पर राज्यसभा के पास में नजर आएगी। इस बात को मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी, तो इसको देख लीजिए आप एक बार पहले। ये ऑलरेडी वैसे पढ़ा चुका हूं जो वाइस प्रेसिडेंट आप लोगों को पढ़ाया था, पर आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, पूरा लेक्चर आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। बात की जाती है जब वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की ज्यादा पावर किसके हाथ में होती है, ये होती है राज्यसभा के। राज्यसभा इसको इनिशिएट करती है, और जब यहां पर जो रिजोल्यूशन होता है ये देखने को मिलेगा 2/3 की मेजोरिटी से, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से जब इसको पास किया जाता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी रहता है, पर लेकिन लोकसभा में भी इसको बिना पास हुए नहीं जाना होता है, पर लोकसभा में आप लोगों को सिंपल मेजोरिटी यहां पर नजर आएगी, मतलब साधारण मेजोरिटी यहां पर नजर आएगी, जो कि आप लोग जानते हैं 50+1 की मेजोरिटी होती है। तो इस तरीके से लोकसभा में पास कराना होता है, मतलब पावर दोनों के हाथ में है, पर लेकिन आप लोगों को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट काम करता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए। आप लोगों ने वर्ड भी सुना होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब क्या होता है, मतलब यह होता है कि जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी वोटिंग के, वो इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को देखने को मिलेगा चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब कोई और ऑफिस उसके पास में है और उस ऑफिस पर जाते ही इसको ये वाला ऑफिस अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद भी रख सकते हैं, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे बात की गई यहां पर जब हटाने की बात की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे इंसान आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनको कहीं ना कहीं उसी तरीके से हटाया जाता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको हम नॉर्मल भाषा में इंपीचमेंट बोलते हैं। पर ये बात आप लोग जरूर याद रखेगा, इंपीचमेंट जो वर्ड है वो ओनली प्रेजिडेंट के लिए होता है, ऊपर से फिर नीचे को जब आते हैं पर फिर लिखते हैं इन द मैनर ऑफ प्रेजिडेंट, इन द मैनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो फिर इन द मैनर वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर इन सबके लिए आप लोग नॉर्मल अगर भाषा में बोलूं इंपीचमेंट करते हैं, जब इनको हटाते हैं, रिमूवल करते हैं इनका, तो वहां पर जब रिकमेंडेशन बनाई जाती है, तो दोनों के पास में इक्वल पावर होती है, लोकसभा के पास में भी और राज्यसभा के पास में भी, तो कोई भी डिफरेंस यहां पर आप लोगों के सामने नजर नहीं आएगा। तो ये भी थोड़ी बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब अप्रूव करते हैं ऑर्डिनेंस को, तब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां भी दोनों के हाथ में इक्वल पावर होती है। ऑर्डिनेंस की जब बात करते हैं तो आर्टिकल आप लोगों के सामने आता है 123। ऑर्डिनेंस किन सिचुएशन में लाया जाता है, जब आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारा हाउस जिस टाइम पर वर्क नहीं कर रहा हो, उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑर्डिनेंस पिक्चर में लाया जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस के बारे में आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, वैसे ऑलरेडी डिटेल में लेक्चर ले चुका हूं। बात करते हैं तीनों टाइप की इमरजेंसी की, तीनों टाइप की कौन कौन सी होती है, नेशनल इमरजेंसी हो गया, प्रेसिडेंट रूल हो गया और फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। अप्रूव करने की जब बात आती है तो दोनों का एक इक्वल पावर दिखेगी, पर लेकिन जब इसको हटाने की बात आती है, आप आगे डिस्कस करेंगे, वहां पर आप लोगों को इक्वल पावर नहीं नजर आएगी यहां पर, ठीक है। पर लेकिन जब अप्रूव करने की बात आती है तब यहां पर इक्वल पावर दिखेगी। ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तीनों के लिए अलग अलग लेक्चर मैंने लिया था उस टाइम पर, आप लोग इनको भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाती है जब प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्शन करने की बात आती है, तो देखिए यहां पर भी दोनों के हाथ में इक्वल पावर है। ये ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे तो वो राज्यसभा से आते थे, तो इसका मतलब कहीं से भी हम लोग प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, तो इसका मतलब दोनों की इक्वल पावर है यहां पर। प्राइम मिनिस्टर को राज्यसभा से भी बनाया जा सकता है और लोकसभा से भी बनाया जा सकता है, तो यहां पर भी आप लोगों के लिए इक्वल पावर रहेगी, यहां पर भी आप लोग दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं देखेंगे। नेक्स्ट बात आती है जब रिपोर्ट रिप्रेजेंट की जाती है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, जब ये रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है उनमें भी दोनों की इक्वल पावर होती है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर लोकसभा को ज्यादा पावर दे रखी है, यहां पर कोई ज्यादा पढ़े लिखे आदमी है, इनको ज्यादा आप लोग ताकत मत दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पार्लियामेंट में जाएगी और इक्वल पावर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। जब बात आती है जुडिक्शन को किस तरीके से यहां पर चेंज करना है, यूपीएससी की या फिर सुप्रीम कोर्ट की, आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से भी आप लोगों को देखने को मिला जब इनराज करना होता है इससे रिलेटेड जुडिक्शन, तो वहां भी आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों की इक्वल पावर रहेंगी, मतलब यहां पर भी आप लोगों को डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो ये कुछ एरिया ऐसे हैं, अगर इनमें से कहीं पर भी आप लोगों के सामने कोई क्वेश्चन आता है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं, पर लेकिन अगर आपके माइंड में क्लियर रहेंगे ये पॉइंट, और क्लियर कैसे रहेंगे, क्लियर ऐसे रहेंगे कि या तो आप लोग बैठ के क्या कीजिए, एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिए तो आराम से चीजें याद रह जाएंगी, या फिर आज लेक्चर जिसने सुन लिया है बैठ के शाम को जब भी आप लोग सोने जाएं एक बार रिकॉल कीजिएगा कि क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया, अगर समझ में नहीं आता तो फिर से सुनिएगा, फिर से रिकॉल कीजिएगा, तो चीजों को रिकॉल करने से पावर बहुत ज्यादा माइंड की बढ़ जाती है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को थोड़ा याद रख पाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अनइक्वल पावर की बात की जाती है। जहां पर आप लोगों को इक्वल पावर नजर नहीं आएगी तो उसमें देख लेते हैं लोकसभा के पास में, यहाँ पर थोड़ी पावर आप लोगों को ज्यादा नजर आएगी। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए, इस पर भी नजर डाल लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मनी बिल की। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार मनी बिल के बारे में, तो मनी बिल आर्टिकल 110 में आता है, डिटेल में पढ़ा चुका हूं इसको भी मैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल की जब पावर की बात आती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकसभा को ज्यादा पावर दी गई है। राज्यसभा ओनली इसको 14 दिनों के लिए रोक सकती है, इससे फालतू राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती है। 14 दिनों के बाद में अगर वो करे चाहे कुछ ना करे, फिर उसको पास माना जाएगा। राज्यसभा कुछ अमेंड नहीं कर सकती है उसमें, और उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकती है मनी बिल को। मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा में आप लोगों को कम पावर नजर आएगी। ओके, सेकंड बात करते हैं, जब डिसाइड करना होता है कि ये बिल मनी बिल या कोई और बिल है, तो ये पावर आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकसभा के स्पीकर के पास में। इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि लोकसभा के स्पीकर को ज्यादा पावर दे रखी है, तो इसका मतलब लोकसभा को ज्यादा पावर दे रखी है एज कंपेयर टू राज्यसभा। राज्यसभा को ज्यादा पावर यहाँ पर नहीं दे रखी है। अब बात करते हैं स्पीकर की, जब बात करते हैं यहाँ पर प्रिजाइड करने की ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर कंप्लीट लेक्चर मैंने लिया था, उस टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेसिडेंट जो होता है यहाँ पर बुलाता है ज्वाइंट सिटिंग को, पर जब प्रिजाइड करने की बात आती है तो लोकसभा का स्पीकर उसको प्रिजाइड करता है, ना कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो यहाँ पे भी आप लोगों को पावर देखने को मिलेगी, किसके हाथ में ज्यादा पावर आ गई, लोकसभा के हाथ में ज्यादा पावर आ गई। तो एक तो यहां पर प्रिजाइड करने की पावर लोकसभा में ज्यादा आ गई, और दूसरी पावर आप लोग और देखेंगे वो क्या है, जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो इसका मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी होते हैं सारे, लोकसभा और राज्यसभा के सारे एक जगह इकट्ठे बैठेंगे, और इकट्ठे बैठने के बाद में उस बिल को पास किया जाएगा। तो अब किसके हाथ में ज्यादा पावर रहेगी, लोकसभा के हाथ में, क्योंकि लोकसभा में जो मेंबर है वो राज्यसभा से लगभग डबल आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं लोकसभा में ज्यादा मेंबर है एज कंपेयर टू राज्यसभा, तो इसलिए यहां पर लोकसभा की पावर ज्यादा हो जाएगी। राज्यसभा चाहकर भी उस बिल पे ज्यादा अपना उस दिल पे ज्यादा कब्जा नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोकसभा की जो वहां पर आप लोगों को सीट देखने को मिलेगी वो ज्यादा रहेंगी। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, आप लोग नॉर्मली अगर देखेंगे तो ये गवर्नमेंट जो रहती है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बिल को निकाल के ले जाने के लिए जो बहुत दिनों से फंसा पड़ा है, उसके लिए यहां पर ज्वाइंट सिटिंग बुलाती है। तो ये भी आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। वैसे पूरा लेक्चर देखिए काफी शानदार है, और कई बार यहां पर जिक्र हो चुका था, कई सारे ऐसे बिल पड़े थे कि ज्वाइंट सिटिंग की कई बार न्यूज में जिक्र आ चुका था, तो इसीलिए भी आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा ज्वाइंट सेटिंग को, हो सकता है कि ज्वाइंट सेटिंग से कोई क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर किसके बारे में, बजट के बारे में। बजट के ऊपर भी मैंने कंप्लीट लेक्चर ले चुका हूं, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, 6 स्टेप में मैंने आप लोगों को बताया था पूरा बजट यहां पर पास किया जाता है। तो उस बजट में हम लोगों ने देखा था, जब वोट ऑन डिमांड की बात आती है या बजट को जब डिस्कस करने की बात आती है, राज्यसभा ओनली डिस्कस कर सकता है, वो इस पे वोट ऑन डिमांड की बात आती है तो वो उसमें पावर नहीं है, वो एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा के बारे में है। लोकसभा की पावर यहां पर ज्यादा दे रखी है, डिटेल में लेक्चर आप लोग जाकर देख सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था आप लोगों को यहां पर ओवरव्यू मिल जाएगा, पर डिटेल में सारे लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं, डिटेल में आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट जब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, तो डिसकंटिन्यू करने की जब बात आती है तो ये ओनली लोकसभा डिसकंटिन्यू इसको कर सकते हैं, यहाँ पर राज्यसभा की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। पर लेकिन जब इमरजेंसी लगाने की बात आती है तब वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्यसभा पिक्चर में आती है, ताकि यहां पर कोई गवर्नमेंट ज्यादा ऑटोक्रेटिक न बन जाए, ज्यादा दादागिरी न चलाने लगे, उस टाइम पर पावर यहां पर देखने को मिलेगी आप लोगों को, वो दी जाती है पैरेलल में किसको, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। तो इसलिए लगाने के टाइम पे इक्वल है, पर लेकिन हटाने के टाइम पे तो लोगों को सहूलियत मिलेगी, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे, तो इसलिए हटाने के टाइम पे जल्दी से जल्दी हट जाए, और डायरेक्ट आप लोग देखने को मिलेगा लोकसभा के जो मेंबर है वो डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं लोगों से, तो इसलिए हटाने के टाइम पे लोकसभा के हाथ में ज्यादा पावर दे रखी है, क्योंकि उनको बार बार जनता के सामने इलेक्शन के लिए जाना पड़ता है, तो वो नहीं चाहेंगे कि जनता फ्रस्ट्रेट हो जाए, वरना फिर क्या होगा, इंदिरा गांधी जी वाला टाइम होगा जिस टाइम से 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, और फिर उसके बाद में जो उनकी हार हुई थी वही यहां पर देखने को मिलेगी, तो इसलिए जल्दी से जल्दी उसके हटाने के बारे में सोचा भी जाता है पैरेलल में। बात करते हैं कई तरीके यहां पर राज्यसभा को देखने को मिलेगा, आप जब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो ज्यादा पावर आप लोगों के सामने यहां पर नजर आएगी लोकसभा में, क्योंकि कलेक्टिवली जब रेस्पॉन्सिबल की बात आती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात जब यहां पर आती है, उस टाइम पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा किसके हाथ में ज्यादा पावर है, वो ज्यादा पावर आप लोगों को लोकसभा में यहां पर नजर आएगी। ठीक है, डिस्कस करना, क्रिटिसाइज करना, ये सारी एक्टिविटी की जब बात की जाती है आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये राज्यसभा डिस्कस और क्रिटिसाइज ये सारे काम कर सकती है, पर लेकिन जब पावर की बात आती है तो आप लोग यहां पर इसके हाथ में ज्यादा पावर नजर आएगी जो कि लोकसभा है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। जब बात आती है यहां पर स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा,
तो जो कि लोकसभा के पास में नहीं है। ये पावर आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुके हैं पास्ट में, अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो। एक तो आप लोगों को पता चलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संघवाद के ढांचे के ऊपर डिपेंड है, मतलब फेडरल सिस्टम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के पास में इक्वल पावर है लगभग, पर लेकिन कुछ पावर आप लोग यहां पर राज्यसभा के पास में देखने को मिलेगा, और ये टू एक्सक्लूसिव पावर है जो कि स्पेशल पावर ओनली आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। ये किसके पास में है? ये है यहां पर राज्यसभा के। सबसे पहली बात आती है, मैंने आप लोगों को तीनों लिस्ट बताया था, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट की बात कर रहा हूं, स्टेट लिस्ट में आर्टिकल 249 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट में राज्यसभा में ये पावर दे रखी है कि उससे रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्ट उसके ऊपर कोई लॉ पार्लियामेंट को बनाना है तो ये राज्यसभा रिकमेंड करेगी, राज्यसभा के हाथ में ये पावर है। तो स्टेट लिस्ट में अगर किसी सब्जेक्ट को यहां पर बात की जाए राज्यसभा, तो उसको चाह सकती है कि यहां पर ये पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना दे। नेक्स्ट बात आती है यहां पर ऑल इंडिया सर्विसेज की। ऑल इंडिया सर्विस मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, ये बताइए कौन कौन सी ऑल इंडिया सर्विस होती है नीचे कमेंट बॉक्स में। रिविजन करते रहिए, फिर से बोल रहा हूं एग्जाम में रिविजन ही काम आने वाला है, तो रिविजन करते रहिए, साथ साथ में आप लोग चीजों को पढ़ते रहिए आगे भी थोड़ा, और अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। प्रैक्टिस की बात करता हूं तो 5 अब तक वीडियो बना चुका हूं अब तक मैं, स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले टाइम के प्रीलिम्स जो भी है उसमें काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोग जाकर देख सकते हैं। सेंट्रल स्टेट की बात की जाती है तो आर्टिकल 312 आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, तो ये देख सकते हैं यहां पर आर्टिकल 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जाती है, ये भी यहां पर पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है कितनी ऑल इंडिया सर्विस इनको क्रिएट करनी है। तो नॉर्मली आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो पोजीशन राज्यसभा की अगर हम लोग देखें ना तो इतनी वीक है जितना हाउस ऑफ द लॉर्ड होता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में यहां पर राज्यसभा को हाउस ऑफ द लॉर्ड बोला जाता है, ठीक है ना, और ना तो इतनी वीक है जितना हाउस ऑफ द लॉर्ड है ब्रिटेन का, और ना ही इतनी ताकतवर है जितना यहां पर आप लोगों को सेनेट देखने को मिलेगा अमेरिका का, अमेरिका का उसको सेनेट बोला जाता है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी राज्यसभा की जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो बीच की है, ना तो ज्यादा टाइट है और ना ही ज्यादा कम है, तो मतलब एक बैलेंस पावर आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे आप लोग जो फाइनेंशियल मैटर है या दूसरी चीजें हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, वहां पर पावर आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़ी सी, कहीं ना कहीं आप लोग देखने को मिलेगा लोकसभा के पास में है। इसके अलावा ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों में लगभग इक्वल पावर है, तो ज्यादा डिफरेंस आप लोग नहीं बोल सकते कि हाँ यहाँ इसमें ज्यादा पावर है और इसमें कम पावर है। तो इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा लेकर चलिएगा, कभी भी आप इसको सेकेंडरी हाउस नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोला जाता है, कभी भी यहां पर आप लोग राज्यसभा को सेकेंडरी हाउस नहीं बोलेंगे, इसको सेकेंड हाउस बोलेंगे। एक हाउस हो गया लोकसभा और दूसरा हाउस हो गया राज्यसभा, तो इस तरीके से आप इसको बोलेंगे, सेकेंडरी नहीं बोलेंगे, मतलब नीचे वाला हाउस इसको नहीं बोलेंगे, कम पावर वाला हाउस नहीं बोलेंगे किसी भी तरीके से इसको। ओके, ये बात आप लोग क्लियर रखिएगा। कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए अगर कल को अगर यहां पर लोकसभा कोई उल्टा सीधा यहां पर एक्ट पास करके आती है, कोई उल्टी सीधी हरकतें करती है, कोई डिफेक्टिव बिल या फिर किसी भी तरीके का हैस्टी यहां पर आप लोगों के सामने कोई लॉ निकल के आता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा उसका रिविजन करने का काम यहां पर राज्यसभा करेगी, ठीक है, और इसी तरीके से लोकसभा करेगी, अगर राज्यसभा करती है तो लोकसभा करेगी। आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर ज्ञानी पर्सन की बात की जाए, मतलब समझदार पर्सन की बात की जाए, ज्यादा पढ़े लिखे पर्सन की बात की जाए, तो ये राज्यसभा को आप लोगों को देखने को मिलेगा। राज्यसभा में डायरेक्ट यहां पर 12 आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्सन नॉमिनेट किए जाते हैं, और ये किसी न किसी फील्ड के आप लोगों को देखने को मिलेगा, अपने अपने फील्ड के ज्ञानी पर्सन ये होते हैं ये माना जाता है। तो प्रोफेशनल एमिनेंट पर्सन जो एक्सपर्ट होते हैं अपने, वो डायरेक्ट इलेक्शन तो देखे लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास में इतनी फुर्सत ही नहीं है, वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के हैं, तो इसीलिए इनडायरेक्ट रूट उनको दिया जाता है राज्यसभा में जाने का लिया। तो 12 पर्सन को यहां पर नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा हाउस यहां पर बोलेंगे किसको, राज्यसभा को। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने ये बात नजर आ गई होगी, कहीं ना कहीं स्टेट का इंटरेस्ट प्रस्तुत करते हुए भी नजर आते हैं, स्टेट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए भी नजर आते हैं, मतलब स्टेट का कोई भी इंटरेस्ट अगर होता है उस तरीके से यहां पर प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड कराई जाती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो राज्यसभा के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है, इसीलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। तो ये बात आप लोग यहां पर देख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बात याद रखिएगा सारी, कौन कौन सी पावर होती है, कहां कहां पर पावर होती है, तो ये सारी बातें थोड़ा आप लोगों को डिटेल में पता होनी चाहिए। बींग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एग्जाम अपनी जगह है, आप लोगों को अपनी पार्लियामेंट किस तरीके से वर्क करती है, किसके हाथ में कितनी पावर है, ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को हमेशा पता होनी चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर स्टडी लवर वीर के नाम से फेसबुक पर पेज है, या फिर आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कई सारी न्यूज या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन या फिर आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं, ये टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और एक दूसरे की हेल्प जरूर करते रहिए, रिविजन करते रहिए, और पॉलिथीन वगैरह कम से कम यूज कीजिए ताकि हम अपनी पृथ्वी को एक अच्छी पृथ्वी बना सके और एनवायरमेंट को क्लीन एनवायरमेंट बना सके। अपने आसपास सफाई जरूर रखिए। ओके, आज का लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।